करीब करीब 1.5 साल बाद इसी 16 जून से छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए अब पालक और बच्चे भी हामी भर रहे हैं। बस्तर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर लोग स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। बस्तर वासियों का मानना है कि कोरोना की वजह से बीते 1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि बच्चों का मानना है कि स्कूल खुल जाए ताकि वे अपने दोस्तों के साथ मिल सकें और क्लास में बैठकर पढ़ाई कर सकें। देखिए, लगभग कोविड-19 महामारी के चलते 2 वर्षों से बच्चों का स्कूल से संपर्क टूट गया है और ये जो तीसरा लहर कोविड का आने वाला है बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावित होगा ऐसा कहा जा रहा है, जिसे देखते हुए निश्चित रूप से एक पालक होने के नाते चिंता बनी हुई है कि अगर स्कूल खुलता है तो बच्चों को संक्रमित होने का खतरा है। लेकिन फिर एक दूसरी पहलू हम देखते हैं तो आज के डेट में 2 वर्ष हो गए बच्चों का स्कूल से नाता टूट गया है। एक तरह से हम ये कहें कि बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं, तो हमें उन्हें पढ़ाई से जोड़ने की भी ज़रूरत है, स्कूल खोला जाना चाहिए। 2 साल हो गए हैं, 2 साल बच्चे जो है स्कूल से दूर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई तो ज़रूर हो रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई से जो है बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो माहौल नहीं मिल पा रहा है उनको, तो स्कूल ज़रूर खोला जाए, हम चाहते हैं स्कूल खुले। शहरी क्षेत्र के पालकों का कहना है कि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कुछ महीने और शिक्षा विभाग को ऑनलाइन क्लास के बारे में ही सोचना चाहिए। 16 जून से स्कूल खोलना जल्दबाजी हो सकती है, ऐसे में बच्चों पर खतरा भी मंडरा रहा है। अब पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन क्या है कि संक्रमण जिस हिसाब से बढ़ा है पर बच्चों में भी अभी पूरी तरह से वैक्सीनेशन अभी हुई नहीं है, तो इसलिए क्या है कि स्कूल अभी ना ही खुलें तो ज़्यादा अच्छा है। बस्तर जिले के शिक्षक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, आए दिन अभी भी 60 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जब तक जिले में संख्या शून्य ना हो जाए स्कूलों को खोलना खतरनाक हो सकता है। जिले में अभी वैक्सीनेशन भी 40% लोगों से कम लोगों को ही हुआ है, ऐसे में अभी स्कूल खोलना जोखिम भरा हो सकता है। जैसे कि विगत कुछ दिनों से लगातार स्कूल खोलने को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, शासन के द्वारा स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है, मेरा कहना ये है संगठन की ओर से, शिक्षकों की ओर से मैं बात रखना चाह रहा हूँ, अभी स्कूल खोला जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन का जो रफ्तार वो भी धीमा है। वैक्सीनेशन कम से कम 40% से ऊपर हो जाए और सभी लोग सुरक्षित हो जाएं और जब तक पॉजिटिविटी रेट जो है शून्य नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोला जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अगर शिक्षा विभाग स्कूल खोलने से मना कर देता है तो एक बार फिर अनिश्चितकालीन के लिए बस्तर ग्रामीण अंचल के बच्चों को शिक्षा से वंचित ही रहना पड़ेगा। ऐसे में न सिर्फ उनका समय बर्बाद होगा बल्कि वे काफी हद तक शहरी क्षेत्रों के बच्चों से पिछड़ जाएंगे। इन सब के बीच सरकार को ऐसे में छात्रों के लिए नेटवर्क के साथ स्मार्टफोन की व्यवस्था करनी चाहिए। अशोक नायडू, ETV भारत, बस्तर।